अभी आ गए हैं रेलवे स्टेशन, तो चलिए चलते हैं अब ट्रेन के पास। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहे। तो आज जो है फाइनली हम जा रहे हैं तमिलनाडु के लिए, निकले हैं घर से और अभी रास्ते में ही वीडियो शूट कर रहे हैं, घर में शूट नहीं लिए हैं। तो हमारा भाई जो है जा रहा है हमें ड्राइव करने धनबाद तक, और वहाँ पर जाके धनबाद से आपका आसनसोल जाएंगे। आसनसोल से हमारा डायरेक्ट तमिलनाडु का गाड़ी है और तमिलनाडु जा रहे हैं काम के लिए। वहाँ मेरा फ्रेंड है, वो बोला है 12,000 रुपये पेमेंट है वहाँ का। हाँ, तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कैसा काम है क्या है। तो फिलहाल अभी जो है मेरा भाई देखिए गाड़ी पर खड़ा है, क्या आप देख पा रहे हैं मेरा भाई गाड़ी पर खड़ा है। हम चलते हैं, उसके बाद आगे का जो भी है आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों क्या बताएं, पूरा मतलब टाइम मेरा दिक्कत हो गया था, तो इसीलिए अभी का जो ट्रेन था वो छूट गया है। तो अभी जा रहे, देखते हैं अगर बस से होगा तो बस से हमको फिर आसनसोल जाना होगा दोस्तों। तो चलिए हम जाते हैं बस। तो धनबाद स्टेशन से हम बाहर निकल आए हैं और अभी बगल में ही बस स्टैंड है, तो चलिए हम जाते हैं बस स्टैंड। और ये हम दोस्तों हम जा रहे हैं बस स्टैंड, उसके बाद हम बस बैठेंगे आसनसोल जाने के लिए। आ चुके हैं और यहाँ पर टिकट ले लिए हैं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब आसनसोल के लिए। और फिर चलिए तो बैठ गए हैं बस में। आ गए हैं बस स्टैंड, तो अभी बस स्टैंड में हम उतरे हैं और यहाँ से जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। और ये देख पा रहे हैं आसनसोल का बस स्टैंड का पूरा नज़ारा है दोस्तों। ये पापा आने वाले थे आसनसोल तक पर नहीं आ पाए, थोड़ा काम था इसीलिए, और छोटा भाई को ही लाए थे धनबाद तक। उसके बाद सोचे कि हम चलो अकेले ही अपना निकल जाएंगे, क्योंकि वो छोटा था, वहाँ लोकल था, तो वहाँ से वो चला गया। तो चलिए अब चलते हैं ऑटो पकड़ के, क्योंकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी में है स्टेशन, तो ऑटो में बैठते हैं उसके बाद हम जाते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। अभी आ गए हैं रेलवे स्टेशन, तो चलिए चलते हैं अब ट्रेन के पास। और तो आ गए हैं फाइनली स्टेशन के पास, तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।